करूंगी भी तो अपने लिए करूंगी ना इसमें आप लोगों का क्या लेना देना है भाई आज मैंने बनाए थे फ्राइज मैंगो शेक और चिकन रोस्ट बनाया था उसी तरीके से चिकन को बॉय कर मैंने कपड़े वगैरह मंगवाए थे जो कि मैंने आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया था कि मैं अपनी मेड्स के लिए और इसके अलावा जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं आप भी ख्याल रखा करें अपने इर्गर्द वालों का उनके लिए भी कपड़े वगैरह मंगवाए थे मैंने ये ब्लॉग ना फ्राइडे वाले दिन रिकॉर्ड किया था और इस दिन ना मैं हमेशा स्पेशल खाना बनाती हूँ आप सबको पता ही है तो मैंने चिकन रोस्ट बनाया था फ्राइज बनाए थे और मैंगो शेक भी साथ ही बना लिया था और चिकन जो है मैंने वैसे ही बनाया था वो जब बॉयल करती हूँ मसाले के अंदर चिकन को चिकन

यार, हाँ बापो, बापो, का थोड़ा से हा? तो जल्दी बला कैसा बनाए कैसा बनाए रमेश पीछे जो है मैंने गिव अवे के पार्सल्स निकाल के रखे हुए लेकिन ईद के बाद भेजूंगी टाइम नहीं मिल रहा लेकिन कल आज बल्कि ना मैंने मेन चैनल पे एक वीडियो लगानी जिसमें मैं एक लाख रुपए का जो है वो गिव अवे कर रही हूँ अगर आप लोगों ने देखना हो तो देखना ना मैं मेन चैनल का लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ तस्वीर लगा दूंगी आप लोग क्लिक करके ना वीडियो क्लिक कर लेना सात बजे या छह बजे वीडियो लग जाएगी अभी जो है ना वो मैं आप लोगों को कपड़े दिखाने लगी हूँ जो कि मैंने हफ्सा कलेक्शन से मंगवाए थे कपड़े तो वो सारे कपड़े दिखाती हूँ उसमें से मैंने अपनी काम वाली के लिए मंगवाया हुए कपड़े उनको मैंने बिठाया मैंने कहा एक सेकंड रखे मैं जरा वीडियो में दिखा दूँ ताकि किसी और ने लेने हो तो वो भी ले सकते हैं तो मैं दिखाती हूँ थोड़े बहुत रिश्तेदारों के लिए भी लिए थे कपड़े वगैरह तो सारे दिखाती हूँ आपको आप लोग देख लेना आपको पसंद आते हैं तो आप लोग भी बाय कर लेना कपड़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है प्राइजेस भी बहुत कम होती हैं और ये भी नहीं कपड़े क्योंकि मैंने खुद सिलवा के पहने में कपड़े बहुत अच्छे कपड़े होते हैं मैं बार बार लेती भी हूँ मैंने अपने भाई की शादी के लिए कपड़े इनसे ले लेकर थोड़े थोड़े करके रख रहे हैं ताकि एकदम से लोड ना पड़े तो मैं आपको दिखाती हूँ बेक कैमरे से कपड़े ओके भाई तो ये सारे कपड़े जो मैंने मंगवाए थे और सारे के सारे जो है वो थ्री पीस हैं और शिफोन के दुपट्टे के साथ हैं ये एक ड्रेस जो है मैंने थोड़ा सा हेवी मंगवाया था उसका रीजन ये था मैंने कहा आप लोगों को ना हफ्सा कलेक्शन के पास जो ब्राइडल कलेक्शन है वो भी दिखा देती हूँ आपको नजर आ रहा है ये वैसे दस हजार था का है पर आपको होल सेल में क्योंकि ये काम करती है तो आपको पांच हजार के लिए पचास हजार का आपको पांच हजार का मिलेगा ये तो मैं आपको ना इनका व्हाट्सअप नंबर फेसबुक और इंस्टाग्राम भी दिखा रही हूँ आप लोग चेक कर लो ड्रेस खोल के भी दिखाती हूँ ड्रेस इस बॉक्स के अंदर आता है ऐसे खुलता है वरी में रखने के लिए आप वैसे सिलवाना चाहते हो तो वैसे भी सिलवा सकते हो कलर भी आप देखेंगे कितना हसीन है सिलवा का कपड़ा देखे कितना अच्छा है जिसको बोलते हैं ना कि मलाई कपड़ा इस तरह कुछ और दुपट्टा इसके टसल्स वगैरह हर चीज हैं पे चीजें है, साथ लगाने के लिए तो बहुत ही प्यारा ड्रेस है सेम वैसा होता है जैसा किटलॉक के ऊपर होता है सेम ड्रेस और फाइव थाउजेंड में बहुत ही अच्छा मिल रहा है मतलब अगर आप बाजार में भी घूम फिर रहेंगे ना तब भी शायद ना मिले आपको उसके बाद एक ये ड्रेस है ये इक्कीस रुपए का इसका प्रिंट जो है ऐसा है ये एप्लिक मतलब इसको बोलते हैं हम लोग रिली वाला वर्क बोलते हैं लेकिन आप लोग मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं ये सिंध में बहुत चलता है ये इसकी शर्ट है फिर ये इसके शलवार का और बेग का कपड़ा है और फिर ये आई थिंक इसके सिलीव वगैरह लगा पे लगाने के लिए दिया हुआ है इन्होंने और जिसका दुपट्टा है बहुत ही प्यारा दुपट्टे के टसल्स वगैरह लगे हुए हैं ठीक थ्री पीस ड्रेस है सेम ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई है शर्ट पे ऐसे ट्राउजर का कपड़ा है ऐसे शर्ट का कपड़ा ये देखें ये देख लें इसकी शर्ट का कपड़ा कितना खूबसूरत है लाइट नहीं है और मैं पसीने पसीने हुई हुई है ये इसका दुबटा है थ्री पीस है क्योंकि ड्रेस शिफन का दुबटा है साथ में ये इसका ट्राउजर का कपड़ा है तो बहुत ही प्यारा लगा था मुझे ये वाला ड्रेस इसका भी कलर कंट्रास्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था कपड़े जो है ना वो मैं हमेशा खुद सेलेक्ट करती हूँ ठीक है इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है आप ब्रांड से पूछ लेना पंद्रह से स्टार्टिंग हो रही है प्राइजेस और उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे तो वैसे होते जाएंगी और मैं कहती हूँ कि यार ऐसे ही कपड़े लेने चाहिए बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं लेने चाहिए क्योंकि हम एक से दो दफा ड्रेस पहनते हैं उसके बाद बोलते हैं अब हमने नहीं पहना फलाने देखा हुआ ढिमके ने देखा हुआ हमेशा और हर सीजन नए कपड़े बनवाते हैं तो फिर क्या फायदा इतना इतने महंगे कपड़े बनवाने का तो ये बेस्ट रहते हैं तो आप देख लें ये इसकी शर्ट है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है ये, ये।, ये, ये देखें ऐसे और उसके बाद ये इसकी शलोार का कपड़ा है और ये इसका दुपट्टा और आप देखें इसका प्रिंट कितना प्यारा है मुझे बेहद पसंद आया था ग्रे का और कैमल कलर का कंट्रास्ट है ये ये भी मुझे बेहद पसंद आया था ये सौ सत्ताईस सौ पचास का आया है ड्रेस इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है यार इसकी शर्ट भी बहुत खूबसूरत है आप ये देखें कितनी प्यारी इसकी शर्ट है कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है ये चेक करें यह है जिसकी शर्ट फुल एम्ब्रॉयडर्ड है यहाँ दिए इसका दुपट्टा आप देखें कितना प्यारा है यार और ये देखें ये इसके ऐसे पेनल्स वगैरह दिए हुए हैं लगाने के लिए ये शलवार का कपड़ा ये कितना प्यारा है और उसके बाद ये इसका दुबट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे ये वाला ड्रेस मॉडल देख लें आप कितनी हसीन लग रही है <laughs> और ये सेम ऐसा बनेगा जैसे इसके ऊपर है ये ड्रेसेस जो हैं वो कम प्राइजेज में हैं ये फिफ्टीन हंड्रेड के हैं ये देखें आपको प्राइस में यहाँ पर दिखा रही हूँ होलसेल में लेकिन कपड़े की क्वालिटी आप देख लें इनकी भी अच्छी है थ्री पीस हैं ये लोन के दो के साथ हैं ये ऐसे ये देखें फिफ्टीन हंड्रेड का है आपको दिखा रही हूँ इस ये भी लॉन्ग के दुपट्टे के साथ है इसका भी प्रिंट आप देखना कितना मज़े का है जैसे गर्मियों में ना ऐसे कपड़े जो है ना बहुत अच्छे रहते हैं फिफ्टीन हंड्रेड का है और आप देखें इसका भी प्रिंट कितना प्यारा है यार मुझे ये कलर बहुत पसंद है तरबूज कलर ये देखें कितना मज़े का प्रिंट और लग रहा है कि पंद्रह सौ रुपये में थ्री पीस आपको मिल रहा है कितना मज़े का ड्रेस है फिर उसके बाद एक ये ड्रेस है ये ड्रेस मुझे बेहद पसंद आया था मुझे ना वैसे लाइट कलर का ड्रेस काफ़ी अच्छे लगते हैं इसकी जो प्राइस है वो टू थाउजेंड है और इसका जो फ्रंट है वैसे एम्ब्रॉइड है आपको नज़र आ गया होगा उसके बाद इसकी शलवार का कपड़ा है और ये है जी इसका दो पैनल्स वगैरह इसके थोड़े बहुत जो सीरीज़ वगैरह पे लगेंगे सेम ऐसे बनेगा जैसे ये बना हुआ है और फिर ये वाला ड्रेस है ये भी पंद्रह सौ का ये देखें यकीन नहीं आ रहा ना आपको भी मुझे भी नहीं आ रहा था और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है यार आप मॉडल ने जो पहना हुआ है वो भी देख लें कितना अच्छा लग रहा है और ये एज इट इज़ है ये देखें ये देखें ये इसकी ये ये इसका जो है वो कमीज का कपड़ा है ये इसकी शलवार है और ये है जिसका दुपट्टा बहुत ही आला प्रिंट है इसका और मैंने इनको धोया भी हुआ है कोई कपड़े खराब नहीं होते मैं अपने नए कपड़े हाथ पे धोती हूँ मैंने ये चीज़ आपको सतर्त बताई हुई है आप लोग थोड़ा ध्यान किया करें एक ये वाला ड्रेस है यार ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है सिर्फ तो दो हज़ार रुपये का और मैं ये वीडियो ना शेयर करना चाहती थी बहुत पहले पर मेरे तीन कपड़े घूम हो गए थे फिर मैंने कल राइडर को खुद कॉल करके खुद जाकर मैं गुलजारे का से रिसीव करके आई हूँ क्योंकि मैंने कहा सारे आ जाएँ तो फिर आपको एक ही दफ़ा दिखाऊंगी अब ये दो में साथ हमें इस पर लगाने के लिए ये भी मिल रहे हैं शलमार का भी कपड़ा है दुबट्टा भी है साथ में कमीज़ भी है और वो भी एम्ब्रॉइडेड है और उसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है कलर भी बहुत प्यारा है और अगर हम यही जे डॉट से कुर्ती लेते हैं ना वो कुर्ती खाली दो हज़ार रुपए की आती है वो भी अन स्टिच फिर दुबट्टा लो सा शलवार लो तो उससे बेहतर नहीं ऐसे कपड़े लेने एक से दो दफ़ा पहनने होते हैं और बेस्ट हैं ये भी नहीं कि कर लें कुछ नहीं क्वालिटी भी कपड़ों की बहुत अच्छी है तो मैं ना हफ्ता कलेक्शन का पेज इंस्टाग्राम अकाउंट सारा कुछ टेक कर दूंगी आप लोग उनसे ना स्क्रीनशॉट दिखा के ना प्राइजेस ले सकते हो यूट्यूब पे वो होल सेल में डील करती है इंस्टाग्राम पे आई थिंक नहीं करती हैं तो मैं नंबर यूट्यूब वगैरह सब शेयर कर दूंगी आप लोग देख लेना हैं पसीन पसीन हो गई है <laughs> लाइट नहीं है यार बहुत लाइट जा रही है बहुत ज्यादा वीडियो बनाना मुश्किल क्या हुआ है तो खैर ये मेरी आज की वीडियो थी आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं हमेशा अपने काम वाली के लिए कपड़े लेती हूँ जैसे खुद पहनती हूँ उसी तरह के कपड़े उनके लिए लेती हूँ आप लोगों ने देखा है मैं खुद भी बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनती हूँ जो मिल जाता है पहन लेती हूँ मुझे शौक नहीं है बेशक मैं लाख रुपये कमा रही हूँ मंथ के लेकिन मैं कहती हूँ यार मेरा दिल नहीं में मानता मैं दस हज़ार का कपड़ा लेके पहन लूँ तो मैं शादी के लिए ले लूँगी वो भी ले कर के मैं किसी को गिफ्ट कर देती हूँ और मोस्टली ऐसा होता है कि रेंट पर ले लेती हूँ या ब्रांड से ले लेती हूँ बेशक जितने मर्ज़ी पैसे हो मैं फजूल पैसे ज़ाया नहीं करती उससे बेहतर मैं समझती हूँ किसी की हेल्प कर दूँ तो आप लोगों ने भी लेना है और वैसे ये चीज़ ना मैंने मेरे ताई अबू से सीखी है मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था कि मेरे अबू हैं उनका नाम इकबाल है वैसे वो मेरे ताया लगते हैं पर मैं उनको अबू बोलती हूँ मेरे ना वो आइडियल हैं मतलब मैं किसी को फॉलो करती हूँ ना बहुत रिलीजियसली तो वो मेरे अबू हैं और वो मुझे मेरे पापा से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो ऐसे करते थे कि जो हमारे नौकर होते थे ना मतलब हम लोगों की ज़मीनें वगैरह हैं शुरू से ही हमारी जो है ना वो अब अबू देखते हैं ज़मीनें मेरे पापा फौजी थे तो वो होते नहीं थे उनकी शिफ्टिंग होती थी जगह जगह पर रिटायरमेंट के बाद वो आए थे और जब उनकी रिटायरमेंट हुई थी तो मैं नाइन्थ या टेंथ क्लास में थी मतलब तब तक वो बाहर ही रहे हैं आउट ऑफ सिटी कभी अब्ट कभी कभी कहीं तो मेरे अब्बू ने ही हम लोगों की देखभाल की थी घर बना के दिया था हमारी जमीन है वही मैनेज करते थे सारी अभी भी वही करते हैं मैनेज क्योंकि मेरे भाई छोटे हैं बहनों के बाद हैं इस वजह से तो वो क्या करते थे वो जैसे कपड़े खुद लेते थे ईद के लिए वैसे ही अपने नौकरों के लिए लेते थे, थे और अभी तक उनकी आदत है यही और उन्होंने अपने नौकरों को घर भी बना के दिया था और मेरे ना घर में चीज़ें रखी हुई थी तो वो आते थे तो वो देखते थे कि अच्छा कितने की सेल हुई है कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ तो वैसे सारा मुझे समझाते थे, थे और आई थिंक इसी वजह से भी मुझे है इंटरेस्ट कि मैं अर्न करूँ या मैं उनको देख के इंस्पायर होती थी कि उन्होंने कैसे जब हम लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे तो बुआ बताती थी मेरी दादी के उन्होंने जो वहाँ पे जमीन है और घर वगैरह था उसके हिसाब से कुछ भी नहीं दिया था यहाँ पे तो अबू ने मेहनत करके ये सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से बनाई है थोड़ी सी जमीन दी थी वहां पर थी वो हंड्रेड एकड़ जमीन थी यहां पर उन्होंने दस एकड़ भी नहीं दी क्योंकि जो जो जिन जिनके वहाँ पर हिस्से थे उनको यहाँ पर ना बायदाद नाम वगैरह अनाउंस करके चीज़ें मिली थी तो घर था वहाँ पर यहाँ पर घर नहीं मिला तो जो तो तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी कानू वगैरह में उनको बेचकर उन्होंने चीज़ें वगैरह बनाई थी इस करके तो मेरे अब्बू ने बहुत ही स्ट्रगल की है माशाला से तो ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं तो आप लोग भी जैसे खुद कपड़े पहनते हो वैसे दिया करें अपने जो आपके घर काम करते हैं एहसास क्या करें गर्मी बहुत ज्यादा है और दूसरी चीज़ ये है कि आज ही लाए अपने अंदर ठीक है तो ना मुझे इंस्टाग्राम पे ना किसी लड़की ने एक कमेंट किया था मतलब मुझे नहीं किया था उन्होंने वो कमेंट मेरी दोस्त थे उनको किया था और उन्होंने स्टोरी पे लगाया था तो मुझे समझ में आ गया था कि कमेंट मेरे लिए था मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ तो आप देख लें लेखे मैंने उम्र पे जाने से पहले कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि उम्र पर आने के बाद अपने बालों को कवर रखूँ या दुबट्टा करना स्टार्ट कर दू मैंने कोशिश करने का कहा था मैंने ये नहीं कहा था कि मैं वादा करती हूँ अगर मैं करूंगी भी तो अपने लिए करूंगी ना इसमें आप लोगों का क्या लेना देना है भाई कि कोई बंदा पर्दा करता है नहीं करता नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता इसमें आपका क्या है वो उसका और अल्लाह का अमल है उसने अपने कबर में जाना है उसमें अपना हिसाब देना है मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इतना पर्सनल कैसे जाते हैं कि से, से नफरत करने में और स्पेशली वो हर एक चीज़ मेरी देख रही है कि मैंने बाल कटवाए हैं मैंने मेरा ब्राइडल शूट हुआ था मेरा काम है भाई मैंने मैंने अपना काम किया है मेरे डिप्लेक्स से हर कोलेब्रेशन थी जाए हर बंदा तो जब काम कर रहा था उसका होता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मेरी कोलेब्रेशन हो उसी से आप आगे आ सकते हो तो मेरी कोलेब्रेशन थी उनके साथ उसमें कुछ ऐसा था भी नहीं अगर था भी तो आपको लग रहा था तो फिर आपको लग गया मैं इसमें क्या कर सकती हूँ मुझे तो नहीं लगा उसमें कुछ ऐसी गलत चीज़ थी बाकी ये है कि भाई मुझे मेरे काम से रिलेटेड आप लोग कमेंट करोगे और अब आप मेरे से सुनोगे क्योंकि मैं हमेशा ना अवॉइड करती हूँ किसी को बोलती नहीं थी इवन फैमिली में से भी मतलब मेरे मुझे मेरे साथ लोग वो वो चीज़ें कर जाते हैं ना कि मैं अवॉइड कर देती हूँ मैं कहती हूँ मतलब मैंने उन लोगों के साथ इतना किया हुआ होता है और वो लोग मेरे साथ जब बदले में जब मेरे ऊपर टाइम आता है ना या मुझे उनके सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो लोग नहीं सपोर्ट करते और ऐसी चीज़ें ना कि आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती मैं बोलती हूँ यार बस क्या मैं शेयर करूँ हालांकि मैं ना मुझे बहुत गुस्सा आता है मुझे दुख भी होता है मुझे तकलीफ भी होता है वो वो लोग होते हैं जिनको मैंने अपने बहन भाइयों की तरह ट्रीट किया होता है कभी मैंने फर्क नहीं किया होता मैं लाखों रुपए लगा देती थी उनके ऊपर और जब मेरे ऊपर टाइम आता ना तो मेरी बारे में सब अपना आप दिखा देते हैं पर मैं चुप रहती हूँ लेकिन अब ना मुझे किसी ने भी कुछ बोला या कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी मैं कॉमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगी और क्योंकि ना आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कोई जवाब नहीं देता आप लोग पर्दे के पीछे छुप के फेक आईडीज बना बना के फेक नेम से उल्टे सीधे कमेंट करोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा आप कौन और जब आपको पलट के जवाब दिया जाएगा तो आप बोलोगे हाउ रूड यू आर हाउ एरोगेंट मतलब तुम कुछ भी बोल दो जहन्नुम के और जन्नत के फतवे भी दे दो तो मैं रिप्लाई में कोई कुछ भी ना कही तो इसलिए आइंदा ना मुझे तो कुछ बोलने से पहले सौ दफा सोचना कि ये पलट के जवाब भी देगी और मैं छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हारी सारी आईडीज खंगाल के ना जो भी हो तुम्हारी सारी चीजें लगाऊंगी इंस्टाग्राम के ऊपर बस ये मेरी आज की वीडियो थी कि आपको अच्छी लगी होगी और लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहां से बाय कर सकते हो अल्लाह हाफज